नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैंक डकैती की घटना को अंजाम देने वाले तीन शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नवगछा में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की हुई मौत, सत्संग स्थल जाने के दौरान हुआ हादसा। छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध, कहा नहीं मिली राशि तो करेंगे आंदोलन। बिहार पुलिस दिवस को लेकर 7 दिनों तक होगा कार्यक्रम, गांव जाकर लोगों से करेंगे संवाद। और मंदिर में चोरी करते युवक को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जमकर की पिटाई। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नवगछिया एनएच 31 लक्ष्मीपुर चौक के समीप स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में 24 जनवरी को डकैती की घटना अंजाम देने वाले तीन अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसको लेकर नवगछिया आदर्श थाने में एसपी शांत कुमार सरोज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी ने बताया कि नवगछिया पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मारुति स्विफ्ट कार, एक जिंदा कारतूस, 3 पल्सर मोटरसाइकिल, 5 एंड्रॉइड एवं 1 कीपैड मोबाइल, 2 राउंडर, 22,150 नगद रुपये, घटना के दौरान अपराधियों द्वारा पहना गया कपड़ा और कई आपत्तिजनक सामानों को भी बरामद किया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में बेगूसराय लोहिया नगर निवासी राजा सहनी उर्फ मुन्ना माइकल, खगड़िया महेश खुंट, बन्नी हरदयाल नगर निवासी छोटू उर्फ निर्दोष और वैशाली विद्युपुर गोवर्धन दिलावरपुर निवासी विकास शर्मा उर्फ अमित सिंह शामिल है। इस कांड में संलिप्त पकड़ा गया निवासी पंकज क्राइम सीन पर मौजूद नहीं था, जबकि घटना में शामिल एक अन्य अपराधी पटना के आसपास का बताया जा रहा है। एसपी ने कहा कि घटना के उद्भेदन का पूरा श्रेय उनके द्वारा गठित एसआईटी को जाता है, जिसकी तत्परता से शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी संभव हो सकी है, जबकि सभी गिरफ्तार अपराधियों को रिमांड पर लेकर सख्ती के साथ पूछताछ की जाएगी। बता दें कि बैंक लूटकांड मामले की जाँच को लेकर एसपी के द्वारा नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में 9 सदस्य विशेष एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद विभिन्न माध्यमों, तकनीकी अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज एवं जेल में बंद बैंक लूट कांड के आरोपियों से पूछताछ के बाद मामले का उद्भेदन करने में पुलिस को सफलता मिली है। सत्यम जो खुसरूपुर का सत्यम से निक नेम है, तो वो भी गिरफ्तार हुआ और घटना के पहले, बैंक रॉबरी के पहले जो यहाँ का पंकज है वो और राजा सत्यम वगैरह सभी रेकी किया था और फिर प्लानिंग किया था। प्लानिंग करने के बाद घटना स्थल पे अभी जो गिरफ्तार हुआ है राजा सैनिक, कुख्यात अपराधी कर लें, अंतर्राज्यीय अपराधी कर लें, ये राजस्थान में भी बैंक रॉबरी किया था और इसके साथ जो है गिरफ्तार है छोटू बन्नी का है, बन्नी महेशपुर थाना पड़ता है, वो गिरफ्तार हुआ है। विकास जो ये पटना में ज्वेलरी लूट में भी गोली कांड किया था, उसमें ये भी वांछित है, उसकी गिरफ्तारी पूर्णिया से हुई है, मरंगा थाना से। तो ये सूचना हम लोग लगातार काम कर रहे थे, तो ये 17 तारीख को पहले छोटू के बारे में जानकारी मिली कि वो बन्नी में है। एसआईटी की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार किया और पूछताछ क्रम में उसने कन्फेस किया कि घटना में कौन कौन शामिल थे, घटना कैसे हुई। फिर उसी इंफॉर्मेशन पर ये जानकारी हमें मिली कि जो ये राजा सहनी है और जो पंकज सिंह है और कई अन्य अपराधी मरंगा में मकान किराया लेकर के छिपे हुए हैं। नवगछिया के रंगरा थाना क्षेत्र एनएच 31 मुरली चौक पर रविवार की देर रात्रि अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना बीती देर रात्रि करीब 3 बजे की बताई जा रही है, जिसमें मृतक की पहचान मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र अंतर्गत अजकैवा चौसा निवासी 47 वर्षीय रुदल शर्मा के रूप में हुई है। वहीं घटना को लेकर मृतक के पुत्र मन्नू कुमार ने बताया कि उसके पिता और पूरा परिवार रंगरा के टावर चौक पर हो रहे सत्संग में शामिल होने के लिए पहुँचे थे।
लेकिन रविवार को वो सभी रंगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सधुवा में अपने ननिहाल चले गए थे। मनु कुमार ने बताया कि देर रात्रि साइकिल से अपने ननिहाल से वापस सत्संग स्थल जाने के क्रम में उसके पिता मुरली चौक के समीप एक अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसके बाद मौके पर पहुंची रंगरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया भेज दिया। इधर घटना की जानकारी मिलने पर परिवार वाले नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंची, जहां शव को देखते ही घर वालों के बीच मातम पसर गया। कहाँ है ननिहाल उनका? सधुवा। अच्छा, हाँ वहाँ चले गए थे। उधर से शाम को 5 बजे किया बात किए किए थे, यहाँ तुरंत सवेरे जाके उधर आने लगा। आने के बाद हम यहाँ मुरली पर एनएच पर यहाँ घटना हो गई, घट गए। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 5 भाई है, ये शादी हो गया है, एक बहन हो गया। राज्य सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के अभियान चला रही है। छात्राओं को स्वावलंबी और सशक्त बनाने के लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मुहैया कराती है। इन योजनाओं के तहत रकम जिलों में पहुंच भी जाती है, लेकिन सिर्फ कागजी पन्नों पर ही पैसों को देने की बात लिखी जाती है। वहीं जब इसको लेकर छात्रा सरकार के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति राशि की मांग करती है, तो बदले में टाल मटोल कर कार्यालय का चक्कर लगवाया जाता है। इस तरह का एक मामला तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से सामने आया है, जो अब तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल सोमवार को BBA वोकेशनल कोर्स की छात्राओं ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध जताया। छात्राओं का कहना है कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्राओं को 50,000 छात्रवृत्ति दी जानी है, लेकिन स्नातक पास करने के एक साल बाद भी अब तक प्रोत्साहन राशि उनके खाते में नहीं पहुंची है। विरोध कर रहे छात्राओं ने कहा कि DSW समेत विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के कार्यालय में विगत कई महीनों से वो सभी चक्कर लगा रही हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया, बल्कि पूरा सिस्टम इस मामले की लिपापोती करने में लगा है। वहीं छात्राओं ने निराशा जाहिर करते हुए कहा कि राज्य के तमाम विश्वविद्यालय में छात्राओं को ये राशि मुहैया करा दी गई है, जबकि एग्जाम कंट्रोलर अरुण कुमार सिंह के दफ्तर पहुंचने के बाद भी उन सबों को निराशा ही हाथ लगी। इधर छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक अरुण कुमार पर सख्त लहजे में छात्राओं से बात करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एग्जाम कंट्रोलर ने उन सभी को कन्या उत्थान राशि से संबंधित अधिकार उनके हाथ में नहीं होने की बात कही है। हम लोग कुछ दिन पहले भी यहाँ पे आए थे, हम लोग को बोला गया कि अभी अपलोड नहीं हुआ है, आप लोग का रिजेक्ट किया जा रहा है। क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है हम लोग ये जानना चाहते हैं, क्यों हम लोग समाज से बाहर है? ऑनर्स वाले कहते हैं कि पटना जाइए, पटना जाके बात कीजिए। हम लोग क्यों पटना जाए? वो ऑनर्स वाले को आप लोग दौड़ाए पटना जाने के लिए? हम लोग को क्यों दौड़ाया जा रहा है इतना ज्यादा? हम लोग इतने सारे पैसे खर्च करते हैं पढ़ाई पे, ऑनर्स वाले का 3,000 में कंप्लीट हो जा रहा है, उन लोगों को ऐसे पैसा दिया जा रहा है और हम लोगों को क्यों नहीं? हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि हम लोग का वोकेशनल वाला कोर्स है, BBA से हम लोग किए हैं, 2018 से 2021 वाला कन्या उत्थान वाला हम लोग को 50,000 रुपये मिलने वाला था। कम से कम एक महीना हो गया है, हम लोग दौड़ रहे हैं, DC के पास तो जाने ही नहीं दे रहा, जो फैक्ट है। कंट्रोलर बोलते हैं कि वो एक सर है उनसे जाके मिलिए, वो बोलते हैं कि सर से मिलिए, कोई बोलता है कंप्यूटर ऑपरेटर के पास मिलिए। ऐसे में तो हम लोग का 50,000 डूब जाएगा ना, 28 तारीख को लाभ दे रहे हैं, हम लोग क्या करें बताइए सर? आखिर छात्राएं आई है, सरकार से आई जाइले की बात कर दिए सर, मैंने कहा कि अपलोड करा दो, कहा विरोध दीजिए, संख्या बढ़ी हुई है, हो जाएगा तो ब्लैक कर। क्या गुलाम नहीं ना है? संपर्क से समर्पण की भावना लिए और जनता की समस्याओं से रूबरू होने के लिए बिहार पुलिस जन जन तक पहुंच रही है। 27 फरवरी को पुलिस दिवस है, उसको लेकर जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत 20 से 27 फरवरी तक बाइक रैली के माध्यम से बिहार पुलिस प्रत्येक गांव एवं वार्ड तक पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए लोगों से रूबरू होगी। वहीं इसको लेकर सोमवार को भागलपुर पुलिस लाइन से भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। जन जन की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत निकाली गई मोटरसाइकिल रैली को भागलपुर DIG विवेकानंद एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान DIG विवेकानंद ने कहा कि यह कार्यक्रम बिहार के DGP राजविंदर सिंह भट्टी के निर्देश पर राज्य भर में चलाया जा रहा है, जिससे बिहार इस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार पुलिस आमजन
जन तक पहुंच सके। डीआईजी ने बताया कि इसी को ध्यान में रखते हुए डीजीपी की पहल पर इस कार्यक्रम का नाम जन जन की ओर बढ़ते कदम रखा गया है। वहीं मोटरसाइकिल रैली में डीआईजी और एसएसपी के अलावा सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी गौरव कुमार, सीआईएटी टीम समेत सभी थाने के थानाध्यक्ष और पुलिसकर्मी, बजरा दल एवं दंगा टीम मौजूद थे। किया जा रहा है और इस क्रम में हरेक जिला से और हरेक थाना से हर प्रत्येक गांव को चिन्हित करते हुए यह मोटरसाइकिल रैली जो है उन्हें कवर करेगी, प्रत्येक गांव को कवर करेगी, जिसके दौरान पुलिस द्वारा किए जा रहे कार्यों की उनको जानकारी देनी है। और इसके अलावा जो हम पुलिस से जो उनकी अपेक्षाएं हैं, जनता की जो और अपेक्षाएं हैं, ताकि हम अपने काम में और सुधार ला सकें, इसकी भी जानकारी हमें लेनी है। और आज जो है इसका शुभारंभ और आगाज इस फ्लैग ऑफ सेरेमनी के बाद शुरू किया गया है। भागलपुर के जोगसो थाना क्षेत्र अंतर्गत लाजपत पार्क के समीप जिला जज के आवास के पास स्थित बाबा न्यायाधीश्वर नाथ शिव मंदिर में चोरी के इरादे से घुसे एक युवक ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद मंदिर के पुजारी और कुछ लोगों द्वारा देखे जाने पर उस युवक को पकड़कर जोगसो थाने के हवाले कर दिया गया। पकड़े गए युवक की पहचान टीपू सुल्तान के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ मंदिर के पुरोहित द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं इसको लेकर मंदिर के पुरोहित सत्यपाल बाबा ने बताया कि शाम के वक्त एक युवक मंदिर में घुसा और महादेव के त्रिशूल और बर्तन की चोरी करने के बाद दान पात्र का पैसा निकालने की कोशिश की और इसी दौरान उसने शिवलिंग के साथ छेड़छाड़ कर नागछत्र को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वह इसको लेकर जोगसो थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि पकड़ा गया युवक ततारपुर के सराय का रहने वाला टीपू सुल्तान है और वह चोरी के इरादे से मंदिर में घुसा था, जबकि उसने नशे की गोली का सेवन करने की बात कबूल की है। भागलपुर में कुछ दिन पहले स्मार्ट सिटी में चल रहे कार्यों को लेकर नगर निगम में बैठक रखी गई थी, जिसमें भागलपुर में चल रहे सभी बुचड़खाना और सड़क के किनारे अवैध रूप से चल रहे मीट मछली की दुकानों को खोले जाने पर पाबंदी लगाने को लेकर चर्चा की गई थी। वहीं इसको लेकर नगर निगम की अतिक्रमण दस्ता के द्वारा सड़क के किनारे मछली बेचने वाले विक्रेताओं को तिलकामांझी से जबरन हटाने की कार्यवाही की गई। इधर इस मामले को लेकर मछली विक्रेता संघ के लोगों का कहना है कि वे लोग वर्षों से यह व्यापार करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और अगर उन्हें इस जगह से हटा दिया जाएगा तो आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। वह इस कार्यवाही के बाद अपनी गुहार लेकर सभी मछली विक्रेता भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा के पास पहुंचे। इस दौरान विधायक ने कहा कि इस विषय पर अधिकारियों से बात करके जल्द ही उचित समाधान निकाला जाएगा। मतलब मछली बेचते हैं रोड के किनारे में बैठ के, मतलब हम लोग को बेचने नहीं दिया जाता है, नगर निगम की तरफ से आता है, सब परेशान करता है, ऊपर से सामान वामान सब उठा लेता है, जब्त भी करता है, उसके बाद से लाठी भी मारता है, उसके बाद यहाँ लगाने के लिए मना करता है। हम लोग आज यहाँ विधायक जी के पास, हम लोग को मछली बेचने नहीं दिया जाता है सर, हम लोग चाहते हैं कि मछली बेचने दिया जाए सर, हम लोग पालन वालन कैसे करें परिवार का, और चाहते हैं कि हम लोग को जल्दी मिल जाए, भगाता है। आज कहाँ आए थे? विधायक जी के पास आए थे कि हम लोग को जगह दिया जाए, लेकिन जगह भी कुछ बोला नहीं गया, बोला गया कि डीएम के पास एप्लीकेशन दिया जाएगा। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र जीरो माइल थाना के ज्योति बिहार कॉलोनी से चंदन कुमार का 14 वर्षीय पुत्र दिव्यांग 3 दिन पूर्व घर से निकलने के बाद गायब हो गया, जिसके बाद से दिव्यांग अब तक घर वापस नहीं लौटा। बताया जा रहा है कि दिव्यांग को किसी बात पर उसकी मां ने डांट लगाई थी और साथ ही गलती की शिकायत पिता से करने की भी बात कही थी, जिसके बाद वह घर से अपने दादाजी का मोबाइल लेकर निकल गया। वहीं रात होने पर भी जब दिव्यांग वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने थाने में आवेदन देकर उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने के कारण छात्र का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है। इधर बच्चे के पिता अपने बेटे की तस्वीर लेकर जिले भर में घूम घूम कर उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन 72 घंटे से अधिक बीत जाने के बाद भी दिव्यांग का कुछ भी पता नहीं चल पाने के कारण परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका सताने लगी है। सोया हुआ था, मम्मी बोली कि आ रहा पापा, कहते हैं तुमको डांटेगा, वो उसके बाद कंबल ओढ़ के सो गया। अब मेरे पिताजी थे, चले गए बाथरूम, उठा मोबाइल लेके निकल गया, मम्मी हाँ पढ़ते रह गई, कहाँ रहे सुना नहीं। और वो गोपाल जी हैं, वो बोला क्या कि महिला आईटीआई के पीछे वाले ग्राउंड पे हम देखे थे उसको, बरारी के तरफ जा रहा था, गए बरारी भी खोजे, सब जगह खोज खाज के थक गए, तब रात के 12:30 बजे 11:30 बजे जाके 0 माइल थाना में एप्लीकेशन दिए हैं।
जीरो माइल थाना से उस नंबर का CDR निकाला, लेकिन उसमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 1:40 में मेरे पिताजी फोन किए थे, उसके बाद उस फोन से कोई बातचीत भी नहीं हो रहा और मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आगामी 25 फरवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन की ओर से की जाने वाली विशाल आम सभा को सफल बनाने के लिए महागठबंधन की बैठक सोमवार को पीरपैंती प्रखंड के प्रियदर्शनी विवाह भवन में की गई। बैठक की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष विवेकानंद गुप्ता ने की, जबकि संचालन रंजन यादव ने किया। वहीं इस दौरान महागठबंधन के नेताओं ने पूर्णिया की आम सभा को सफल बनाने के लिए पीरपैंती प्रखंड से ज्यादा संख्या में कार्यकर्ताओं को शामिल होने की बात कही। बैठक में राजद दक्षिणी मंडल अध्यक्ष रंजीत साह, उत्तरी मंडल अध्यक्ष मुरली यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष राजेश तिवारी, CPI अंचल मंत्री अशोक यादव और रविशंकर सिन्हा सहित महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज का जो बैठक बुलाया गया था महागठबंधन का, 25 तारीख को पूर्णिया के रंग मैदान में महागठबंधन का विशाल आम सभा होने जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री तेजस्वी जी सहित सातों पार्टी के राष्ट्रीय नेता का संबोधन होगा। और ये जो केंद्र सरकार की जो निकम्मी सरकार अब बनी हुई है, उसके खिलाफ हार फेंकने के लिए एक 2024 का आगाज उस दिन होगा। ये बिहार का धरती है, यहीं से गांधी जी का सत्याग्रह, जेपी का आंदोलन, संपूर्ण क्रांति का आंदोलन यहीं से शुरुआत हुआ है और इसी बिहार की धरती से। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के सैनो पंचायत अंतर्गत कोला नारायणपुर गांव में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 20 से 26 फरवरी तक चलने वाले श्रीमद् भागवत कथा में मंद्रवाल से पहुंचे सत्यप्रकाश शरण जी महाराज ने प्रवचन किया। वहीं भागवत कथा को लेकर बरारी घाट से पैदल कलश शोभा यात्रा DJ गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश रखकर कोला नारायणपुर गांव पहुंची। इस दौरान सैनो पंचायत के मुखिया भैरव यादव, दयानंद यादव, मिथुन यादव, प्रहलाद झा समेत काफी संख्या में आयोजन समिति के सदस्य और ग्रामीण मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बैंक डकैती की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। नवगछिया में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की हुई मौत, सत्संग स्थल जाने के दौरान हुआ हादसा। छात्रवृत्ति राशि नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जताया विरोध, कहा नहीं मिली राशि तो करेंगे आंदोलन। बिहार पुलिस दिवस को लेकर 7 दिनों तक होगा कार्यक्रम, गांव जाकर लोगों से करेंगे संवाद। और मंदिर में चोरी करते युवक को स्थानीय लोगों ने दबोचा, जमकर की पिटाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।